बुक के बारे में बताइए कंटेंट है, खास कर किन के लिए आप रिकमेंड करते हो, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी एक मोटिवेशनल बुक है और इस बुक के हर वर्ड्स मोटिवेशनल इलस्ट्रेशन के राउंड घूमते हैं। ये बुक जो है इसकी कोई लिमिट्स एंड बॉर्डर्स नहीं है। मैंने फर्स्ट जो इसमें मेंशन किया है देयर इज नो लिमिट्स एंड बॉर्डर्स ऑफ दिस बुक, बट स्टिल इसमें सबसे ज्यादा मैं इंकरेज करना चाहता हूँ यूथ को, क्योंकि जो यूथ है दे आर डिप्राइवड डिप्रेस्ड यूथ। आई वांट टू टेक देम आउट ऑफ दिस डिप्रेशन सो दैट यूथ कैन बी एम्पावर्ड, यूथ कैन कम ऑन फोर स्टेप्स सो दैट दे विल, एज यू नो दैट यूथ्स दे आर द पिलर्स ऑफ द नेशन, दे आर द मैन पिलर्स ऑफ द नेशन। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें यूथ एम्पावर हो जाए और यूथ को मैं पर्टिकुलरली मोटिवेट और इंस्पायर करना चाहता हूँ। तो कंटेंट के बारे में बताइए क्या कैसा कंटेंट है? जी ये बुक जो है ये 9 चैप्टर्स पे मबनी है। इसका जो पहले चैप्टर है दिस डू नो योरसेल्फ, उसमें मैं लोगों को इनकरेज करता हूँ कि अपने आप को जानो, अपने बारे में रिसर्च करो, अपनी कैपेसिटीज के बारे में रिसर्च करो। ऐसे ही वहाँ पर मैंने लिखा है एजुकेशन सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन कंपेरिटिव डेवलपमेंट, जिसमें मैंने लिखा है कि यहाँ पे स्किल एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बहुत बढ़ रहा है। इसी तरह से यहाँ पे मैंने लिखा है रोल ऑफ यूथ इन मेकिंग सोसाइटी, जिसमें मैंने ये कवर किया है कि एम्पावरमेंट ऑफ यूथ, द नीड ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ यूथ वो कितनी जरूरी है वो मैंने इसमें कवर कर लिया है। इसी तरह मैंने केस स्टडीज दिए हैं सक्सेसफुल पीपल की, जस्ट लाइक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, जेफ बेजोस, ऐसे मैंने बहुत सारे जो टू सम एक्सटेंट जो सक्सेसफुल पीपल्स है उनकी केस स्टडी को मैंने। अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आपके जो पर्सनल कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या करते हो, क्या अभी तक किया है? जी पर्सनली मैं त्रैगाम से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी स्टूडेंट हूँ फिजियोथेरेपी का इन बच्चा मेडिकल मिशन बैंगलोर, मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ। और ये बुक जो है मैंने लॉकडाउन के दौरान मैंने ये थोड़ा टाइम स्पेंड किया और मैंने इस बुक को अंजाम दिया, अपने अल्फाज को मैंने एक किताबी शक्ल इख्तियार कर ली। तो रिकमेंडेशन आपकी क्या रहेगी, किन के लिए आप रिकमेंड करते हो ज्यादा? जैसे मैंने अभी पहले भी कह दिया दैट देयर इज नो बॉर्डर्स एंड लिमिटेशंस इन द बुक, लेकिन फिर भी मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा द यूथ ऑफ द सोसाइटी को। इंटरनेट पर कभी अवेलेबल होगी? इंशाल्लाह इट विल बी अवेलेबल। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम।